पथल गांव में NH 43 की दशा काफी खराब है। यहाँ लगातार वाहनों की आवाजाही के कारण पूरे क्षेत्र में 24 घंटे धूल छाई रहती है, जिससे लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत के प्रवास पर लोगों ने उनसे सड़क से उड़ रही धूल से मुक्ति की गुहार लगाई थी। मंत्री ने कहा कि जल्द ही सड़क बनवाने का काम शुरू किया जाएगा, तब तक पानी का छिड़काव कराकर इससे बचा जा सकता है। यहाँ धूल के कारण सांस और सर्दी से पीड़ित मरीज लगातार डॉक्टरों के पास इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इतना बुरा हाल है कि गांव का हर आदमी सर्दी खांसी से पीड़ित है और हर आदमी बीमार हो रहा है। धूल की स्थिति बहुत खराब है, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। धूल में चलते हैं, धूल में मुंह में कपड़ा बांध कर या चल रहे हैं, सामने कोई गाड़ी अगर चली जाती है निकल के तो चलना मुश्किल है छोटी गाड़ी वालों को। बीमारी है लोगों में, अस्थमा जिसको बोलते हैं अपन, और ज़्यादा छींक आना, सर्दी जुकाम होना बार बार, ये पेशेंट अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं धूल की वजह से, क्योंकि सभी बीमारी जो एलर्जी में छोड़ते हैं, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है तो एलर्जी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है।